हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबिल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी भाषा का साहित्य, यानी हम हिंदी की जो भी बोलियां हैं दोस्तों उनके बारे में हम देखेंगे। उनसे संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे। लगभग हमने इसमें 30 प्रश्नों का संग्रह किया है दोस्तों। देखिए, इसके पहले हमने मैराथन वीडियो भी बना रखे हैं पूरी बोली के बारे में, यानी कि जो 5 उपभाषाएँ हिंदी की और 17 बोलियां, तो उसका मैराथन हमने चला रखा, अलंकार पढ़ा रखा पूरा मैराथन एक ही वीडियो में, और वर्णमाला, इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें पढ़ा रखी, वो हम लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपने नहीं देखा वीडियो जरूर देख लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। देखिए, इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो ब्रजभाषा हिंदी के कुछ किस उपभाषा के अंतर्गत आती है दोस्तों? ये आपका UP SSC वीडियो क्वेश्चन दोस्तों 22 दिसंबर 2018 का। तो ब्रजभाषा किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो हम आपको बता दें ये किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा आती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और देखिए, इसके अलावा कौन कौन सी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों, कन्नौजी भी आ जाती है दोस्तों। कौन सी? कन्नौजी आ जाएगी, हरियाणवी आ जाएगी दोस्तों, हरियाणवी। और उसके अलावा दोस्तों बुंदेली, कौन सी? बुंदेली और खड़ी बोली दोस्तों। तो 5 उप जो बोलियां हैं दोस्तों वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। थोड़ा सा और बता दें दोस्तों कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आपको पता होगा गढ़वाली और कुमाऊनी आ जाती है दोस्तों, कहीं कहीं नेपाली भी लेते हैं। इसके अलावा जो आपका पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है, और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों आपको पता होगा जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी आ जाती है। इसके अलावा आपका एक और बचता है, 5वां जो बचता है दोस्तों आपका बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है दोस्तों? तो ये देखिए, चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2005 का दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सी आती है दोस्तों आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? देखिए, कन्नौजी किसकी है, यही हमारी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कन्नौजी क्या है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों। और एक किस अपभ्रंश निकली, तो सौर सैनी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली दोस्तों, तो सौर सैनी। ये भी आपको याद रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और देखिए यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं मेवाती, तो मेवाती हमने बताया क्या, ये राजस्थानी हिंदी दोस्तों, ठीक है। और बघेली क्या है दोस्तों, अवधी बघेली छत्तीसगढ़, ये पूर्वी हिंदी का है। और मगही क्या है दोस्तों, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर का कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? ये देखिए, झारखंड PGT हिंदी 2018 का परीक्षा दोस्तों, जो पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पश्चिमी हिंदी। क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्चिमी हिंदी कहा जाता है दोस्तों। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको पता है कौन कौन सी आती है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली, और यह सौर सैनी अपभ्रंश से निकली हुई मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा नंबर क्या है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से दोस्तों? देखिए, यहाँ पे MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 क्वेश्चन दोस्तों पूछा क्या गया है कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से दोस्तों। अभी हमने सब की बात कर दी दोस्तों, तो किस अपभ्रंश से पश्चिमी है, तो हम बताते आ रहे हैं किससे, सौर सैनी दोस्तों, किससे, सौर सैनी से। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। वही बात कर ले अगर मागधी से क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि मागधी से कौन से दोस्तों, बिहार, क्योंकि बिहार क्या था दोस्तों, बिहारी हिंदी क्या है, मागधी अपभ्रंश से निकली है, ठीक दोस्तों। और अर्ध मागधी क्या है दोस्तों, आपको पता होगा पूर्वी हिंदी, कौन सी, पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा को बोलने बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं दोस्तों? ये आपका UPSCL AR 2018 क्वेश्चन दोस्तों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुतान दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। ये हमने वर्णमाला में पढ़ाया दोस्तों, अनुतान के बारे में अगर आपने नहीं पता तो वर्णमाला वाली क्लास देखिएगा, उसमें समझ में बिल्कुल सही आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो अनुतान हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस बोली में ने परसर्ग लगा होता है? देखिए, परसर्ग क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा परसर्ग क्या होता है, कारक चिन्ह। किस बोली में ने कारक चिन्ह लगा होता है दोस्तों? तो आपको बता दें किसमें, खड़ी बोली में दोस्तों। खड़ी बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है, और ये मानक भाषा दोस्तों। परसर्ग क्या होता है दोस्तों, ने कैसे, जैसे हमको क्या बोलते हैं, हमने कहा, हमने, है ना, ऐसे तुमने, तो ने ज्यादा लगाया था दोस्तों, ने परसर का यूज किया जाता है। ये आपके कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 का क्वेश्चन दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी बोली, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई दोस्तों? तो हमने क्या बताया अभी, देखिए अमीन की परीक्षा 2016 में जो अमीन की परीक्षा हुई दोस्तों, उसने पूछा गया कि हिंदी जो खड़ी बोली हो वो किस अपभ्रंश से निकली, तो हम बहुत समय से बताते आ रहे हैं कि पश्चिमी हिंदी की बोली है दोस्तों, और वो किससे निकली है, सौर सैनी से दोस्तों।
किससे? सौर सैनी से दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली निकली है। देखिए खड़ी बोली कहाँ निकली दोस्तों, ये पूछा गया। अब देखिए ये आपके जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2016 क्वेश्चन है। तो खड़ी बोली किससे निकली दोस्तों? तो पश्चिमी हिंदी से दोस्तों। पश्चिमी हिंदी से ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। वहीं अगर राजस्थानी की बात कर ले दोस्तों, तो आपको पता है जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी आती है दोस्तों। वहीं बिहारी हिंदी की बात करेंगे तो मैथिली, मगही और भोजपुरी दोस्तों। ठीक, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज भाषा से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोलियां देहलवी को से किस हिंदी का विकास हुआ दोस्तों? तो किस हिंदी का विकास हुआ ये आपको बताना है दोस्तों। तो किस हिंदी का विकास हुआ दोस्तों ये आपको बताना है। तो इस देखिए झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 क्वेश्चन है। तो किस हिंदी का? मानक हिंदी का दोस्तों। ठीक, मानक हिंदी का दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ दोस्तों? ये देखिए झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 क्वेश्चन है। तो मानक हिंदी किसको मानते हैं दोस्तों? तो आपको बता हुआ खड़ी बोली। किसे दोस्तों? खड़ी बोली को मानक हिंदी माना जाता है दोस्तों। ठीक, और वहीं बात करते हैं ब्रज भाषा का, तो इसको काव्य भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काव्य भाषा दोस्तों। ठीक, तो सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा? खड़ी बोली दोस्तों। ठीक, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा दोस्तों? केवीएस पीजीटी हिंदी 2016 का परीक्षा पूछा गया दोस्तों है कि खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा। पहला है कि इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग होता है दोस्तों, या फिर इसका ध्वनि विन्यास कर्कश होता है दोस्तों, या इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, या फिर इसमें खड़ी खोटी कहने की क्षमता है दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है दोस्तों। ठीक, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 12 नंबर क्या है, बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। देखिए कौन सी बोली है जो दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकट बोली जाती है दोस्तों? ये कौन सी बोली होगी? ये आपके यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको पता है कि वहाँ पे कौन सी बोली जाती है दोस्तों? दिल्ली के आसपास, मेरठ के आसपास, तो खड़ी बोली दोस्तों। कौन सी? खड़ी बोली। देखिए ब्रजभाषा की जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपके आगरा, मथुरा के आसपास बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए, और ये कन्नौजी आपके फर्रुखाबाद के आसपास दोस्तों बोली जाती है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए 13वां नंबर है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ दोस्तों? हिंदी का मानक रूप दोस्तों किस भाषा से विकसित हुआ दोस्तों, ये आपको बताना। देखिए यूपीएसआई क्वेश्चन का पेपर है दोस्तों, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से पूछा, क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ठीक, उससे पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए इससे पूछा गया मानक हिंदी, तो मानक हिंदी किसका रूप है दोस्तों? तो आपको पता होगा खड़ी बोली का, क्योंकि मानक हिंदी वही है जिसको मानक रूप प्रदान किया गया दोस्तों, और खड़ी बोली की ही को दोस्तों राजभाषा का दर्जा भी दिया गया। किसका? राजभाषा का दर्जा खड़ी बोली को ही दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आपको बता दें ब्रजभाषा में क्या दोस्तों, ये कैसी भाषा है दोस्तों? आपको बता दें क्या? काव्य भाषा है। कैसी भाषा है दोस्तों? ये काव्य भाषा है। तो हमारा ब्रजभाषा किसके रूप में प्रचलित है दोस्तों? काव्य भाषा के रूप में प्रचलित दोस्तों। वही बात करते हैं राजभाषा दोस्तों, तो राजभाषा जैसे कि आप अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की दो भाषाएं हैं, कौन सी है? हिंदी भी है दोस्तों। ठीक, पहली क्या है? हिंदी है, और दूसरी आपको पता होगा कि 1989 में दूसरी राजभाषा चुनी गई, कौन सी? उर्दू दोस्तों। कौन सी? उर्दू। तो ये भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों आता है कि मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? यह है व्यायाम प्रशिक्षक का क्वेश्चन है दोस्तों कि मथुरा और वृंदावन के आसपास मुख्यतः कौन सी भाषा बोली? देखिए मथुरा और वृंदावन किसका क्षेत्र था दोस्तों? श्री कृष्ण का, ब्रज क्षेत्र ना, तो वहां पे इस तरह से याद कर लेंगे ब्रज भाषा ही बोली जाएगी दोस्तों। कौन सी? मथुरा वृंदावन के आसपास आपकी ब्रज भाषा बोली जाएगी दोस्तों, और ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों, जिसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों 16 नंबर क्या है, आगरा, मथुरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? और ये आपके यूपीएसआई क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ भी मथुरा अगर आ गया, तो मथुरा आगरा आते ही दोस्तों आपको क्या समझ जाना है कि देखिए मथुरा आगरा किसका? श्री कृष्ण का क्षेत्र है, जिसे हम ब्रजवासी बोलते हैं, ब्रज क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ब्रज भाषा ही बोली जाएगी, ब्रज के आसपास बोली जाने वाली भाषा को हम ब्रज भाषा ही कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और बांगलू किस कौन से दोस्तों? ये हरियाणवी दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्या है, बांगलू ज्यादातर
बांगड़ू भाषा ज्यादातर किस राज्य में फेमस है दोस्तों, किस राज्य में बोले जाते हैं दोस्तों, ये भी आपके यूपीएसआई 22 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। तो बांगड़ू कौन से दोस्तों, तो हरियाणा। कौन से दोस्तों, हरियाणा में बांगड़ू भाषा बोली जाती है दोस्तों। बांगड़ू बोली कहाँ पे, हरियाणा में बोले जाते, और इसका नाम हरियाणवी भी है दोस्तों, बांगड़ू को हरियाणवी भी बोलते दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है दोस्तों, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती दोस्तों, तो इसमें कौन सी बोली मध्य प्रदेश में है दोस्तों, तो मालवी, बांगड़ू, निमाड़ी और बुंदेली दोस्तों। तो आपको बता दें कौन सी नहीं दोस्तों, तो मालवी नहीं दोस्तों। मालवी कहां बोले जाते, तो आपको पता होगा ये राजस्थान की बोली दोस्तों। कहां की, राजस्थान की। इसको हम दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जानते हैं। कौन सी, दक्षिणी राजस्थानी के नाम से इस बोली को जाना जाता दोस्तों, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर मालवी, ये राजस्थान की बोली है ना कि मध्य प्रदेश की दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है ये आपको बताना दोस्तों। देखिए बांगड़ू ये आपके हरियाणा में बोली, तो हरियाणा बोली जाएगी। बुंदेली अधिकतर कहाँ पे दोस्तों, एमपी में बोली जाएगी। मध्य प्रदेश में हड़ौती दोस्तों, ये भी आपकी राजस्थान के दोस्तों, ठीक है, कहाँ की है, राजस्थान। तो कन्नौजी दोस्तों ये आपकी है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों, ये फर्रुखाबाद में इसका केंद्र है दोस्तों। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। और ये आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 22 दिसंबर 2017 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है दोस्तों। कन्नौजी बोली, देखिए कन्नौजी बात कर रहे हैं और ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है दोस्तों। तो कहां पे, कानपुर, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद या फिर मुरादाबाद। तो आपको बता दें दोस्तों, फर्रुखाबाद में बोली जाती है। कौन सी दोस्तों, आपकी कन्नौजी बोली। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। देखिए आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली नहीं बोली जाती, अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी या फिर बघेली दोस्तों। तो कौन सी, देखिए हमने बताया था कि आप पूर्वी हिंदी के लिए ए बी सी याद कर लेंगे, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी दोस्तों। तो यहाँ पर जयपुरी नहीं दोस्तों, ये किससे है दोस्तों, ये आपकी किससे है, राजस्थानी से दोस्तों, ठीक। तो ये राजस्थानी का है दोस्तों, राजस्थान का, और ये सौर से नहीं अपभ्रंश से निकली हुई बोली है दोस्तों। जयपुरी किसकी है, पूर्वी राजस्थानी के नाम से इसको हम जानते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, 22 नंबर क्वेश्चन का कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आएगी दोस्तों, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, एबीसी, ये तो आएंगे आएंगी, मगही नहीं आती दोस्तों। ये कौन सी, बिहारी हिंदी है दोस्तों। किस, कौन सी है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों। बिहारी हिंदी का विकास क्रम क्या है दोस्तों, किस अपभ्रंश से निकली, तो मागधी से दोस्तों। और ये चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकसित हुआ, पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई दोस्तों, ये बताना है, पैसाची अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, सौर सैनी से या मागधी से दोस्तों। तो पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई दोस्तों, तो अर्धमागधी से। किससे, अर्धमागधी। और ये स्टेनोग्राफर की परीक्षा का क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धमागधी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन भाषाएं, तीन बोली आती है दोस्तों, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये भी याद रखेंगे, अवधी, ए से अवधी, बी से बघेली और सी से दोस्तों छत्तीसगढ़ी, हम याद कर लेंगे। देखिए याद कर लेना दोस्तों किसी भी प्रकार से, बस याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, मानक हिंदी का आधार क्या है दोस्तों। स्टेनोग्राफर का परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 2015 का दोस्तों, मानक हिंदी। तो मानक हिंदी दोस्तों किसको मानते हैं हम, खड़ी बोली को। जिसको, किसको मानते हैं दोस्तों, खड़ी बोली को मानक हिंदी माना जाता है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, बिल्कुल और बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली स्थानीय हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों। देखिए चकबंदी लेखपाल की क्वेश्चन है, ठीक, चकबंदी लेखपाल, कौन से बोली राजस्थानी के अंतर्गत आती है। देखिए मगही या फिर भोज, मगही एक से बिहारी हिंदी का आ जाएगा दोस्तों, ये हो नहीं सकती। अब कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी है दोस्तों, ठीक, पश्चिमी हिंदी के है दोस्तों। और बघेली किसकी है, पूर्वी हिंदी के अंदर आती है। अवधि, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी दोस्तों पूर्वी हिंदी हो गई, और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के दोस्तों, और मगही बिहारी हिंदी। अब बचा कौन सा, मेवाती। तो मेवाती ही हो जाएगा राजस्थानी बोली, और मेवाती उत्तरी राजस्थानी के नाम से ये प्रसिद्ध दोस्तों। मेवाती क्या बोलते हैं, उत्तरी राजस्थानी बोली दोस्तों, ठीक दोस्तों। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, बघेली बोली का क्षेत्र है दोस्तों। बघेली बोली क्षेत्र कौन सा दोस्तों, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 क्वेश्चन है दोस्तों। बघेली का इसका मुख्य क्षेत्र क्या है दोस्तों, इसका केंद्र कौन सा है, रीवा, रायपुर, इंदौर या फिर भोपाल दोस्तों। आपको बता दें कौन सा है, रीवा। बघेली रीवा में बोली जाती है दोस्तों, बहुत ही फेमस है, ठीक दोस्तों। इसीलिए रीवा में क्या है, इसका केंद्र दोस्तों, इसीलिए बघेली को रीवाई भी कहते हैं। कौन सी, रीवाई भाषा भी
रीवा में बोली भी कहा जाता है दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये रीवा में बोला था दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है दोस्तों, बघेली हिंदी का संबंध हिंदी की बोलियों में से किस वर्ग में है दोस्तों, बघेली की बोली का संबंध हिंदी के किस में है दोस्तों, तो आपको बता दो दोस्तों, देखिए बघेली किस में दोस्तों, पूर्वी हिंदी में आएगी, किस में, पूर्वी हिंदी में आएगी, और यूपीएसआई बैच का पेपर क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएसआई के सेकंड बैच का पेपर है दोस्तों 19 दिसंबर का, तो किसमें दोस्तों, पूर्वी में आती है बघेली, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, और ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई मानी जाती है दोस्तों, हमारा पूर्वी हिंदी बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 28 नंबर, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाएगी दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कहां पर बोली जाएगी दोस्तों, सिलीगुड़ी, रांची, जोधपुर या फिर जबलपुर दोस्तों, तो कहां पर, जबलपुर में दोस्तों। ठीक, कहां पर, जबलपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है दोस्तों, एबीसी, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी दोस्तों, और एक कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 क्वेश्चन है, तो कहां पर, पूर्वी हिंदी में बोल आएगी दोस्तों, किस क्षेत्र में आएगी दोस्तों, ये पूर्वी हिंदी के उसमें आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 30 नंबर क्या है दोस्तों, कि हड़ौती दोस्तों, हड़ौती बोली को भाषा के अंतर्गत आती है दोस्तों, हड़ौती किस में आएगी दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों, तो बता दें आपको, बिहारी में, पहाड़ी में, कन्नड़ में या राजस्थान में दोस्तों, ये भी आपके यूपीएसआई के फर्स्ट बैच 16 तारीख का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, तो किस में आ जाएगी, राजस्थानी में दोस्तों, और ये कोटा के आसपास बोली जाती है, कौन सी, हड़ौती दोस्तों। ठीक, तो ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, और देखिए आपको बता दें दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। और एक चीज़ बता दें दोस्तों, अगर आप मैराथन क्लास देखना चाहते हैं दोस्तों, उसका हम लिंक दे देंगे नीचे, इसके अलावा आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको मैराथन, हिंदी मैराथन क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर के आप देखिए, उसमें 4-5 मैराथन क्लास हमने चला दी दोस्तों, और भी आगे ये क्रम चलता रहेगा दोस्तों, आप जाइए उन्हें देखिए, आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा आप यूपी पीएससी परीक्षा के बारे में देखना चाहिए, यहाँ पे ले जाइए एनटीपीसी ग्रुप डी की क्लासे, यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों आपको, यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराया दोस्तों, वो आपको इस प्लेलिस्ट पे मिलेंगे, और उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासे आप देखिए दोस्तों, टॉप 2020 का क्वेश्चन हमने करवाए, वो जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा जेल, वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार के एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, और दिल्ली पुलिस के बारे में यहाँ पर, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए यहाँ पर देखिए जाके, और हिंदी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिलेगी दोस्तों। उसके अलावा यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराए, मूल विधि की क्लास हमने सॉल्व कराई दोस्तों, चलाई है दोस्तों, और इसके अलावा संपूर्ण हिंदी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, संपूर्ण हिंदी बजाइए, और संपूर्ण हिंदी आप अच्छे से कवर करिएगा दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप नए हैं चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच